फोन पर बात कराने के बहाने घर में घुसा युवक युवती के साथ किया दुष्कर्म, पकड़े जाने पर की शादी फिर तीन तलाक। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद भोजपुर थाना क्षेत्र के सरदार नगर अटरिया गांव की एक पीड़ित महिला ने गांव के ही नाजिम नाम के युवक पर घर में घुसकर दुष्कर्म व मारपीट करने व शादी करके तीन तलाक देने का आरोप लगाकर थाने में तहरीर देकर पीड़ित महिला ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। आपको बताते चलें, सरदार नगर अटरिया गांव के नाजिम नाम के दबंग व्यक्ति ने गांव की ही महिला को घर में अकेला देख फोन पर बात कराने के बहाने घर में घुस गया, जिसमें पीड़ित महिला ने फोन पर बात करने से दबंग युवक से मना किया तो युवक ने जबरदस्ती बात करानी शुरू करा दी। दबंग युवक ने मौका देखकर घर का दरवाजा बंद कर युवती के साथ घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला, जिसमें पीड़ित के रोने चीखने की आवाज सुनकर पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने आए नमाजियों ने युवती को दबंग युवक के चंगुल से छुटाया और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को लोगों ने नंगा अवस्था में पकड़ लिया। जब पीड़ित महिला से पूछा गया तो पीड़ित महिला ने बताया कि इसने मेरे साथ फोन पर बात कराने के बहाने घर में घुसकर अकेला देख जबरदस्ती गलत काम किया है। लोगों ने इतना ही सुनना था, फिर पीड़ित महिला ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की कार्यवाही के डर से दबंग युवक घबरा गया और युवती के साथ मौजूद लोगों ने मिलकर नाजिम नाम के युवक से निकाह कराकर फैसला करा दिया और महिला के परिवार वालों ने ससुराल के लिए महिला को रुखसत कर दिया। कुछ दिन तक तो ठीक चला, फिर कुछ दिन के बाद लड़के पक्ष वालों ने 5 लाख रुपए की दहेज की मांग करनी शुरू कर दी, जिसमें पीड़ित महिला ने दहेज के लिए मना किया तो दबंग युवक ने सब्जी में नशीला पदार्थ खिलाकर जान से मारने का प्रयास किया और घर की छत से गिराकर महिला को मौत के घाट उतारने का भी प्रयास किया, लेकिन दबंगों की सारी कोशिशें सफल नहीं हो पाई, जिसमें पीड़ित महिला ने सारी आपबीती अपने परिजनों को सुनाई, जिसके चलते पीड़ित महिला के परिजनों ने जैसे तैसे कर 2 लाख रुपए दहेज के लिए पहुंचाए। फिर कुछ दिन बाद पीड़ित महिला को तंग किया गया, पीड़ित के परिवार ने फिर से 1 लाख रुपया पहुंचा दिया। फिर क्या दबंग घर में महिला के साथ मारपिटाई कर 3 तलाक देकर महिला को घर से निकालकर उसी के पैसों से सऊदी अरब चला गया। कुछ दिन के बाद महिला को सऊदी अरब से फोन पर 3 तलाक देकर डरा धमका कर घर पर ना जाने की महिला को धमकी दी, जिसमें पीड़ित महिला ने भोजपुर थाने में तहरीर देकर पुलिस से दबंग आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, जिसमें पीड़ित महिला ने बताया कि दबंग आरोपितों के खिलाफ अभी कोई भी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित महिला ने SSP और भोजपुर थाना अध्यक्ष के पास जाकर कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी पुलिस ने कोई भी पीड़ित महिला की मदद नहीं की है, जिसमें पीड़ित महिलाएं अभी दर दर भटकती नजर आ रही हैं। महिला ने यह भी बताया कि अब वह दबंग लोग पुलिस के डर से मेरे परिवार वालों को डराते धमकाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे वह पीड़ित परिवार के परिजनों को अपनी जान का खतरा बना हुआ है और वह अपनी जान छुपाकर घर से अलग दबंगों के डर से छुपे हुए हैं। पीड़ित ने बताया कि मैंने मुरादाबाद SSP को लिखित रूप में कई बार शिकायत देकर अपनी आपबीती सुनाई है, लेकिन अभी भी आरोपियों के खिलाफ कोई भी पुलिस ने कार्यवाही नहीं की है, जिसमें अब पीड़ित महिला SSP और थाने के चक्कर लगाती थक गई है और अब मदद की गुहार लगा रही है। जी, मैं सरदार नगर अटरिया की रहने वाली हूँ। हमारे घर पे ये लड़का आया जी। हमारे घर पे ये लड़का आया, हमारे मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं था। हमारी बहन की दवाई लेने के लिए गए थे तो वो हमारे घर बोले मेरा भाई सऊदी में रहता था, ये बोला मैं सऊदी से अभी 2 दिन में आया हूँ और तेरे भाई का फ़ोन आया तू बात कर ले। तो मैंने उससे बोला कि हमारे घर पर कोई नहीं है, हमारी भाई बहन कोई नहीं है, मैं नहीं कर रही बात। तो बोला 1 मिनट का काम है, ले तू बात कर ले। तो वो लड़का अंदर आया, अंदर आकर मेरी उसने बात कराई। बात कराने के बाद में फिर वो लड़का उसने अंदर से किवाड़ लगाई। किवाड़ लगाने के बाद में तो फिर वो मैंने जो उस लड़के ने मेरा सब कुछ बलात्कार किया मेरे साथ में, तो फिर मैंने चिल्ली पुकार काटी। तो फिर पास में मस्जिद में से आदमी लोग आ रहे थे नमाज पढ़ कर निकल गए, तो फिर वो मेरी आवाज़ सुन के वो लोग आए मस्जिद में से, बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो उन लोगों ने इस लड़के को पकड़ा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने लड़के को पकड़ा तो वो गांव कुछ गांव के लोग थे तो हमारे मम्मी पापा को बिठा कर निकाह की कोशिश की उन्होंने, पंचायत की कोशिश की। तो हमारे माँ बापों की कमजोरी देख कर फिर उन्होंने निकाह करा।
अच्छा, निकम में बेटे क्या कुछ सामान दिया था, पैसे उसे रखे गए थे? जी 2 लाख रुपए दिए थे। गांव के लोगों ने कुछ मेरे पापा को कुछ समझा कर धमकी उमकी देकर 2 लाख रुपए दिलवा दिए। तो फिर उसकी अम्मी उसके घर के पापा उपा बोले कि हमारे बेटे का 2 लाख में कुछ नहीं होगा। तो फिर 2 लाख में कुछ नहीं होगा तो फिर 1 लाख रुपये और दिए, और बढ़वा दिए। अच्छा। तो 3 लाख रुपये कर दिए हमारे पापा ने। अच्छा, तो फिर आपको घर से क्यों निकाला और वो लड़का कहाँ है इस टाइम? वो लड़का 3 दिन बाद में वो 2 लाख रुपए लेकर सबूदी पहुँच गया था वो। तो फिर उसने 3 दिन के बाद में तलाक देकर गया था। ले मैं 3 बार तुझे तलाक देकर जा रही हूँ। फिर उसने कॉल करके बोला कि तू ना घर ना सुन, तू यहाँ क्यों रह रही है? तो फिर मैं बोली थी मैं तो निकाह में बंधा हुई हूँ, मैं इसलिए रह रही हूँ। तो बोला मैं तुझे उसने मुझे डाटा उठा फ़ोन पे धमकी उमकी दी। तो उसने 3 बार फिर उसने ये कहा कि ले मेरी सुन खूब गौर से, क्या मैं तुझे 3 बार फिर तलाक देता हूँ। तो उसने 3 बार फिर तलाक दी। तो फिर उसके बाद में फ़ोन कटने के बाद में उसकी माँ बाप और उसके भाई बहन बोले निकल जा तू यहाँ से, मेरे भाई ने तुझे तलाक दे दी, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। उन्होंने मुझे मारा पीटा काम करा। तो फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। फिर जो लोग निकाह में शामिल थे तो वो लोग मुझे बुला कर ले आए मेरी हालात को देख के। अच्छा। तो मेरे कपड़े उपड़े सब उन्होंने फाड़ दिया, मतलब मेरे जिस्म पर कुछ नहीं था, मैं कपड़ा लपेट के वो लोग जो निकाह में शामिल थे वो लोग मुझे यहाँ पे लेकर आए, मेरे घर रख दिया, डाल दिया मुझे। अच्छा। ले आए थे। अच्छा, मतलब बेटे पहले भी इससे आपके साथ घटना हुई है, मारा पीटा उन लोगों ने या नहीं मारा? कुछ खाने पे कुछ पिलाया या मारा उरा छत पे से भी बताया? जी हाँ, उसने पेट्रोल खाने में तो पेट्रोल उसको मारने के चक्कर में पेट्रोल पिलाया था मुझे। अच्छा। और फिर पहले भी मारा था और छत पे से भी मुझे नीचे की गिराने की कोशिश की थी। अच्छा। मारने के लिए। अच्छा, आपने पूरे मामले की कहीं पुलिस को तहरीर दी है? जी मैंने भोजपुर दी थी। हाँ। भोजपुर मुरादाबाद। हाँ। और ठाकर द्वारा तहसील। अच्छा, फिर क्या हुआ पुलिस आपकी? फिर मेरी कुछ सुनवाई नहीं की किसी ने भी। आप लोग मतलब मैंने बहुत कोशिश की, सब में थाने को भी गई, भोजपुर ठाकर द्वारा मुरादाबाद में सब में गई, मेरी किसी ने कुछ सुनवाई नहीं की। अच्छा, क्या चाहती हो बेटे आप तुम? मैं ये चाहती हूँ कि ताकि जैसे मेरे साथ में ये हुआ है कि दुनिया के अंदर किसी भी जिले के अंदर किसी भी लड़की के साथ में ऐसा नहीं होगा, सबकी इज्जत होनी चाहिए। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ? उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ मैं सबको। मतलब मैं जो वो लड़का सऊदी अरब में है तो वो यहाँ के प्रशासन से किस तरीके की मांग करना चाहोगी? मैं वहाँ से बुलाना चाहती हूँ लड़के को। किस लिए? सजा मिलने के लिए बुलाना चाहती हूँ मैं उसे, क्या वहाँ से आ जाए वो लड़का, सजा मिल जाएगा उसे। अच्छा, कल